हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स ई पाठशाला। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हम करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस का क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या उसके मेरिट्स हैं, ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। होप कि आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। बिना समय बर्बाद के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो टॉपिक है हमारा, ये इको वन से रिलेटेड है, राइट। इग्नू बी कॉम की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका इको वन का पेपर है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसमें मैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बिना समय बर्बाद के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, राइट। तो सबसे पहला फ़ायदा जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, वो है ईजी फॉर्मेशन, राइट। आप पार्टनरशिप बिजनेस को बहुत ही आसानी से फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। लेकिन देखो, यहाँ पे कंपनी फॉर्म करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फॉर्म। इसीलिए शायद ये बात बोली जा रही है कि पार्टनरशिप फॉर्म को तैयार करना, पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा आसान है विद कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, राइट। ऑल दो द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज़ नॉट एन ईजी एज अ सोल प्रोपराइटरशिप, लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सोल प्रोपराइटरशिप का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होता है, फॉर एग्जांपल मैं ओनर हूँ, राइट। लेकिन पार्टनर में मैंने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक अगर उस ओनर होंगे, दो या दो से अधिक अगर ओनर शब्द गलत हो जाएगा, दो या दो से अधिक अगर पार्टनर्स होते हैं तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है थोड़ा सा मुश्किल है फॉर्म कर पाना विथ कंपैरिजन टू सोल प्रोपराइटरशिप। लेकिन अगर आप कंपनी से इसकी कंपैरिजन करोगे, कंपनी बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म को बनाना ज़्यादा आसान है, बट इट इज़ लेस डिफिकल्ट टू एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि बहुत ही ईजिली इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। द पार्टनर्स एग्री टू डू द बिजनेस टुगेदर एंड ड्रॉ अप एंड साइन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में साथ में आते हैं और साथ में आने के बाद वो जो है अपने कैपिटल को रिड्यूस करते हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डेड है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को पहले जा करके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आफ्टर दैट देर आर नो कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट लॉज रेगुलेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। इसके बाद ये काम कर लेने के बाद देखो, किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट लॉ नहीं है जो कि इसको एक तरीके से गवर्न करता हो या फिर इसके ऊपर किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स जो है वो इम्पोज नहीं की जाती है पार्टनरशिप एक्ट में। अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट के तहत खुद को अगर रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद से आपको जो है पार्टनरशिप में आपको पूरी छूट मिलेगी, आपको आप जैसे चाहो अपने बिजनेस को चला सकते हो। लेकिन हाँ, लीगल चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इलीगल हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो लॉज है यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी फॉर्मेशन है, राइट। दूसरा है मोर कैपिटल अवेलेबल। देखो, यहाँ पे कैपिटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है बिकॉज बहुत सारे पार्टनर्स मिल करके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर सोल प्रोप्रेटर हूँ और मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता, राइट। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि दो व्यक्ति साथ मिल करके चलाते हैं, अगर एक के पास पैसे नहीं है तो दूसरा जो है कभी कभी पैसे इंट्रोड्यूस कर देता है ताकि बिजनेस को और वो एक्सपैंड कर सके, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अनलाइक सोल प्रोप्रेटरशिप देर आर टू और मोर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, सो अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ रिलाय ऑन सिंगल इंडिविजुअल एज द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स, ठीक है। जो बात मैंने बोली वही बात बोली गई यहाँ पे कि अनलाइक सोल प्रोपराइटरशिप से अलग है ये, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलकर के जो है पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करते हैं और इनको जो है किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर जो है रिलाई नहीं करना पड़ता फंड्स के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो सभी पार्टनर्स मिलकर के फंड एकत्रित कर लेते हैं। द एडिड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टनर्स इंक्रीज द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। तो जिस तरीके से पार्टनर्स का जो एक एडिड जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो मजबूत होता है, उसी के बेसिस पे ये जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म होते हैं, वो बाहर से पैसे बोरो कर सकते हैं बिकॉज जो पैसे इनको देगा, जैसे कि अगर कोई बैंक ही अगर इनको लोन देता है तो उनको पता रहेगा कि पार्टनर्स ज़्यादा हैं तो ये आपस में मिलकर के हमारे पैसों को चुका देंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने फीचर्स में बताया था कि यहाँ पे लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी किसी तरीके से दिवालिया हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक के पैसे डूब जाएंगे या किसी व्यक्ति के पैसे डूब जाएंगे। पैसे इसलिए नहीं डूबेंगे क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मतलब यहाँ पे जो है जो कंपनीज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको अपने पॉकेट से भी पैसे लगा करके जो है उनके सारी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट करना उनको पड़ेगा, राइट।
तो ये फ़ायदा है यहाँ पे, तो मोर कैपिटल अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट है मोर डाइवर्स स्किल एंड एक्सपर्टीज़। अब देखो एक या एक से अधिक व्यक्ति अगर किसी काम को करेंगे तो स्किल है वो डाइवर्स होगा और एक्सपर्टीज़ भी अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक काम में महारत मेरी हासिल है, मैं किसी एक काम को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और दूसरा कोई और व्यक्ति है जो कि किसी और काम को अच्छे तरीके से जानता है, तो दो आदमी अगर साथ मिल करके उस काम को करें तो वो काम जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से हो जाएगा, राइट। कोई कम एक्सपीरियंस्ड होता है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, तो वो लोग जो है काम को बहुत ही आसान तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स स्किल होता है और एक्सपर्टीज़ होता है। आइए मैं बता देता हूँ पढ़ के। द पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स मोर पीपल इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज देयर आर मोर ओनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट, डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो ओनर्स हैं, वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्रेटरशिप। सोल प्रोप्रेटरशिप में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, एक ही इंडिविजुअल होता है। एन आइडियल पार्टनरशिप बींग ब्रिंग्स टू पार्टनर्स टुगेदर पार्टनर्स हु कंप्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। एक आइडियल पार्टनरशिप वो होता है जिसमें पार्टनर जो है साथ मिल करके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को जो है बिजनेस में हेल्प करते हैं, राइट। नॉट पार्टनर्स हु हैव द सेम बैकग्राउंड एंड experience. One partner might be a specialist in manufacturing, another in marketing, and the third partner may be an accountant. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया। तीन partners मिलकर के एक business कर रहे हैं जिसमें एक partner जो है वो marketing बहुत अच्छे तरीके से जानता है, दूसरा manufacturing अच्छे तरीके से जानता है, और तीसरा एक अच्छा accountant है। तो तीनों मिलकर के अगर करेंगे तो फिर उनको अलग से लोग हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने business में, right? तीनों बहुत ही आसानी से अपने business को चला सकते हैं। That is why they are saying that there is more diverse skills and expertise. Combined judgment of all these partners often leads to better decisions than otherwise, ठीक है। तो अदरवाइज सिचुएशन में जो भी डिसीजन होता वो तो होता ही, लेकिन अगर ये तीनों मिलकर के साथ में अगर किस कोई एक डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन सबसे बेहतरीन निकल करके आएगा, बिकॉज सबकी अपनी अपनी एक एबिलिटी है, राइट, और अपनी अपनी सोचने की क्षमता है जिसके बेसिस पे वो जो है डिसीजन बेहतर ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, डेफिनेटली है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म में, बिकॉज यू विल हैव टू लिसन योर पार्टनर्स दैट वॉट एवर दे आर सेइंग दैट मैटर्स टू यू। जो भी पार्टनर्स आपको कहेगा वो आपके लिए मैटर करता है, राइट, और आपको उसके बेसिस पे ही अपने डिसीजंस जो हैं लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप द पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो ओन्ड एंड रन बाय द पार्टनर्स देमसेल्फ। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअल जो है अपने बिजनेस को रन करता है, उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में भी एक जो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं वो साथ मिल करके पार्टनरशिप को रन करते हैं, राइट। दे कैन ईजिली अप्रिशिएट एंड क्विकली रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग कंडीशंस, ठीक है। तो अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर साथ मिल करके काम करेंगे तो अगर किसी भी तरह का चेंजेस अगर आता है कंडीशन में तो वो क्या है कि उसको जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक को नहीं पता चला तो दूसरे को पता चल गया या तीसरे पार्टनर को पता चल गया, तो उनको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से जो है वो अपने कंडीशंस के हिसाब से वो खुद को फ्लेक्सिबल कर लेंगे, खुद को वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। पाँचवा नंबर है सीक्रेसी, ठीक है। देखो मेरिट्स का मतलब यहाँ पे एडवांटेज होता है, तो एक तरीके से ये फायदे हैं, ठीक, लाभ हैं कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो उसमें क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद देखो सीक्रेसी, तो सीक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पार्टनरशिप फर्म में, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि पार्टनर्स के बीच में ही रहने चाहिए, थोड़ी सी सीक्रेट होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो सीक्रेसी होती है। इन पार्टनरशिप फर्म देयर सम सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू पुश अकाउंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीक्रेसी जो है मेंटेन की जाती है इस फर्म में, बिकॉज यहाँ पे देखो जो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक, राइट, अकाउंट्स की, उसको आपको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने अकाउंट्स को आपको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण से आप जो है अपने पार्टनरशिप बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन करके रख सकते हो। सातवां नंबर पॉइंट है प्रोटेक्शन, छठा नंबर पॉइंट है कीन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली होता है पार्टनर्स के बीच में, तभी वो बिजनेस को रन कर पाते हैं। सिंस पार्टनर्स आर लाइबल टू लॉस एंड रिस्क ऑफ अ बिजनेस, दे टेक कीन इंटरेस्ट इन अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो जो पार्टनर्स जो हैं वो लॉसेस को लेकर के लाइबल होते हैं, अगर लॉस होता है तो वो उनके वजह से होगा, किसी और के वजह से नहीं होगा, तो वो अपने लॉसेस को लेकर के लाइबल होते हैं बिकॉज उन्होंने पैसे जो है इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अपने बिजनेस में, राइट। तो उनकी लाइबिलिटी होती है, वो जो लाइबल होते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, अपने बिजनेस रिस्क ऑफ बिजनेस को लेकर के, उसके कारण से वो जो है बिजनेस अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के उस बिजनेस पे काम करते हैं, राइट, बहुत बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सातवां नंबर पॉइंट है प्रोटेक्शन, ठीक है। ड्यू टू द रूल ऑफ अनएनिमिटी एंड फंडामेंटल मैटर्स द राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड, यहाँ प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यहाँ प्रोलेक्टेड लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड। इफ़ पार्टनर इज डिससेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द फर्म ही कैन आस्क फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म और विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है जिसमें पार्टनर जो है अगर वो ये सोचता है कि पार्टनर जो जो हमारा फर्म है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा ऑन द बेसिस ऑफ हिज थिंकिंग, तो वो क्या है, वो अपने बिजनेस से विदड्रॉ कर सकता है या फिर वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, वो चाहे तो पार्टनरशिप को बंद कर सकता है, राइट, या फिर तो वो बिजनेस से खुद को विदड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की प्रोटेक्शन जो है वो उसके पास होती है अगर वो डिससेटिस्फाइड होता है पार्टनरशिप फर्म की वर्किंग से। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। आठवां नंबर पॉइंट है चेक्स एंड कंट्रोल्स ओवर केयरलेस डिसीजन। ठीक है, आप केयरलेस डिसीजन के ऊपर एक तरीके से चेक उसको चेक कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई एक व्यक्ति तो डिसीजन ले नहीं रहा, सभी मिल करके ले रहे हैं, तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी तरीके का डिसीजन लेता है जो कि हार्मफुल है तो दूसरा व्यक्ति उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। सिंस द पार्टनरशिप इज रन ऑन कलेक्टिव बेसिस एंड ऑल पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन मेजर डिसीजंस, देयर इज अ लेजर स्कोप फॉर रेकलेस एंड हैस्टी डिसीजंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एक तरीके से सारे लोगों को एक साथ मिल करके वो बिजनेस को रन करते हैं, तो इस केसेस में जो गलतियाँ होती हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, केयरलेस डिसीजंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, राइट, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, देयर इज लेसर स्कोप ऑफ रेकलेस एंड हैस्टी decisions. नौवां नंबर पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। द लॉसेस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड बाई ऑल द पार्टनर्स, हैंड द शेयर ऑफ द लॉस इन द केस ऑफ ईच पार्टनर विल बी लेस देन द सस्टेन इन सोल प्रोपराइटरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी को लॉस होता है बहुत बड़ा, तो उस लॉस को जो है बेयर करने के लिए तीन चार पार्टनर होंगे आपस में जो कि उस लॉस को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या फिर एट द अमाउंट जो भी उन लोगों ने अपने कैपिटल में इन्वेस्ट किया होगा उसके हिसाब से वो लॉसेस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि किसी एक इंडिविजुअल के प्रति, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर उसका जो है उसको बेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको थोड़ा सा कम प्रेशर फील होगा। लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप में क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा अपना बिजनेस है, मैंने अपने नाम पर कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने 1,00,000 रुपये अगर मुझे लॉस हो गए तो वो सारे के सारे पैसे जो है मुझे ही बेयर करना पड़ेंगे, लॉस पूरी तरह से मेरा ही होगा 1,00,000 रुपये का। लेकिन अगर हम चार लोग मिल करके वो 1,00,000 रुपये का लॉस झेलते हैं तो सभी का लॉस जो है 25,000 रुपये करके हो जाएगा अगर चार पार्टनर्स होते हैं, तो राइट। तो एक तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस में जो है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क होता है, रिस्क को जो है आपस में आप बांट लेते हो, राइट। तो ये फ़ायदे हैं, तो ये कुछ नौ पॉइंट्स थे, नौ फायदे थे, नौ मेरिट्स थे पार्टनरशिप बिजनेस के जो मैंने अभी आपको बताए। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इको वन के बाद मैं बहुत सारे जो हैं एमकॉम के वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, आपको वहाँ से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए आपको अपने सब्सक्राइब बटन के बाद में जो बेल आइकन होता है उसको दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, राइट, या फिर जो वीडियो इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहें। ठीक है, तो इसी तरह के यूज़फुल लेक्चर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिए।